तपती गर्मी में दिल्ली की जनता पानी को लेकर हाहाकार कर रही है। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को पानी देने में फेल साबित हो रही है और आप पार्टी सरकार दूसरी सरकार पर झूठा आरोप लगाती है। उन्होंने आगे कहा कि हमने हरियाणा सरकार से बात की है तो हरियाणा सरकार का कहना है कि वो दिल्ली को उसके हिस्से का पर्याप्त पानी दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी आदत से मजबूर है जो अपनी नाकामी किसी दूसरे पर थोप देती है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदयविदारक दृश्य देखने को मिलेगा इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं है। 40% पानी सप्लाई के दौरान पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से बर्बाद हो जाता है। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बावजूद न तो पुरानी पाइपलाइंस का रिपेयर हो सका, न उन्हें बदला जा सका और न ही पर्याप्त पाइपलाइंस नई डाली गई। हद तो यह है कि इसी पानी को चोरी करके टैंकर माफिया द्वारा गरीब जनता को बेचा जाता है।